नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक खास जानकारी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्प्राउट्स के बारे में। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अपने रोज के खाने व डाइट में आप दालों को शामिल करते हैं, लेकिन उनसे आपको उतना फायदा नहीं मिलता जितना स्प्राउट से होता है। स्प्राउट्स में ना केवल पोषक तत्व, फाइबर या प्रोटीन पाया जाता है, यह बहुत तेजी से आपके वजन को कम करने में भी मदद करता है। इसमें कम कैलोरी होने के कारण आप इसे अपनी रूटीन में स्नैक्स के तौर पर शामिल कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं अपनी डाइट में एक मुट्ठी स्प्राउट्स को शामिल करने से आपको क्या फायदा होगा। वेट लॉस। महिलाएं अक्सर जल्दी से अपना वेट लॉस करना चाहती हैं, तो स्प्राउट्स उनके लिए काफी अच्छा है। इसे खाने से लंबे समय तक आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है। इसमें कैलोरी कम होती है, लेकिन फाइबर काफी मात्रा में पाया जाता है, जिससे आप आसानी से वेट लॉस कर सकते हैं। ब्लड शुगर। रोजाना एक मुट्ठी स्प्राउट्स आपके बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल सही रखने में मदद करता है। इम्यूनिटी होता है स्ट्रॉन्ग। यह विटामिन सी का काफी अच्छा स्रोत है, जो कि बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स को मजबूत करता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। इससे आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम काफी मजबूत होता है, हार्ड रहता है हेल्दी। स्प्राउट्स का सेवन दिल को हेल्दी बनाए रखने में काफी मदद करता है। यह शरीर में अच्छे व बुरे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर दिल को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। स्वस्थ आंखें। इसमें पाए जाने वाला विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट आपकी आंखों की रोशनी को स्वस्थ बनाने में काफी मदद करते हैं। इससे आपकी आंखों को किसी तरह का नुकसान भी नहीं पहुंचता है। इस तरह ले सकते हैं स्प्राउट्स। आप सैंडविच में सब्जियों की जगह स्प्राउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के बीच अगर भूख लग रही है तो इसमें थोड़े से प्याज व टमाटर डालकर इसकी चाट बनाकर भी खा सकते हैं। टेस्ट को चेंज करने के लिए आप इसमें ऑमलेट या डोसे में भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको कच्चे स्प्राउट्स खाने पसंद नहीं है तो आप इन सब्जियों को रोटी के साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी के बारे में जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं आपके लिए और जानकारी और नई वीडियोस लेके आ सकूं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।